इन्फॉर्मेशन है, 3-4 वीक का कंसोल्टेशन का ब्रेकआउट अब बन रहा है, तो जेबी मोटो पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 642 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 690 से लेकर 700 तक के टारगेट बनने चाहिए। जेबी मोटो, आप ये कैश ही कॉल है याद रखिएगा, और थोड़ी टर्बुलेंस जब आती है मार्केट में या फिर बहुत हायर लेवल्स पे होते हैं तो डेरिवेटिव्स में ना जाने के बाद जहाँ पे अनवांटेड शॉर्टिंग का रिस्क होता है आप कैश में चले गए, और ऑटो आज की जो थीम है आपने उसको पिक किया है। राजेश सरपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है मोमेंटम आ रहा है वो फार्मा में है फिलहाल, तो इनिशियल मोमेंटम आप कह सकते हैं। फर्स्ट हाफ मुझे बायोकॉन अच्छा लगता है, छोटे लॉस के साथ करना है, 212 चल रहा है, बाय करें 206 के स्टॉप लॉस के साथ, और इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए 225 का। ओके, बायोकॉन में भी तेजी का कॉल आता हुआ इस समय। सतपुते साहब इस स्टॉक को लेकर बोले। बाहिती साहब, हम लोग का क्विक सिंगल कौन सा रहेगा, कन्विक्शन ट्रेड कौन सा रहेगा? जी, टाटा केमिकल में बाई की सलाह रहेगी, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, मिल रहा है, और फ्राइडे को भी एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा था और कंटिन्यूएशन आज भी उसमें दिख रहा है, तो 965 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें 1000 और 1010 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, सारे के सारे बाय कॉल्स। खरीदना है एस्कॉट्स, पॉली कैब, बजाज ऑटो जिसके नंबर्स अवेटेड हैं, जेबीएम ऑटो कैश का आइडिया, बायोकॉन और टाटा केमिकल्स, ये हो गए सब इस समय के बाजार खुलने के बाद एक्सपर्ट्स के क्विक सिंगल आइडियाज। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और मार्क करने की जरूरत है। मैं आता हूं खबरों वाले स्टॉक्स पे, पहले वीरू ट्रैक कर लें कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ ले चलूंगा आप लोगों को। वीरू जी, आशीष, आज ONGC ने बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक रिएक्ट किया है, इट्स 157.80। और अच्छा, आई थिंक सचिन के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पकड़ा आपने, क्या ग्रिप किया? यहाँ पर जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ऑटोज पे ही ध्यान देना है। एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी 1932 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी एक इम्पोर्टेंट बैरियर था अराउंड 180 का, उसके ऊपर काफी अच्छी ओपनिंग यहाँ पर इसने रजिस्टर की है, तो मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे 185 के आसपास के स्विंग यहाँ पर बन सकते हैं। खरीदारी करनी चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 180-150 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 180 पे लगाना है, एंड इंट्राडे का टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 185 का। ओके, एक्साइट, आज ऑटो में कुछ नहीं छोड़ेंगे। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।